तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इप्सन की चार ऐसी कलर के बारे में जो आप इप्सन मशीन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, और इसके प्राइस के बारे में भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना फ्रेंड्स। सबसे पहले बता दूँ, इप्सन मशीन जो लोग यूज़ करते हैं उन लोगों को इप्सन का जो कलर वो ख़रीदना पड़ता है। किसी रिटेलर के पास से ख़रीद सकते हो या फिर कोई सा भी दुकान से आप ख़रीद सकते हो। जैसे कि आप मान लीजिए मार्केट में ख़रीदने गए, उधर आप लोगों को डुप्लीकेट दे दिया और आप लोग उसे ही यूज़ करते हो, तो आप लोगों का जो प्रिंटर का जो हेड है वो ख़राब हो सकती है, उसका जो हेडेक है ख़राब हो सकती है। तो इसके लिए आप लोगों को बचना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को जो एक कलर मैं दिखाता हूँ उस कलर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि इप्सन का ये जो कलर है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये जेन्युइन है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जेन्युइन इप्सन का है, ये देख लीजिए, ये जेन्युइन है पूरा। और जो इसका प्राइस है, मतलब इप्सन का चार कलर होती है, चार कलर की अलग अलग नाम रहती है, जैसे मतलब छोटा छोटा करके नाम लिखा रहता है, सी लिखा रहता है, बी के लिखा रहता है, वाई लिखा रहता है, ऐसा लिखा रहता है। तो आप लोगों को उस टाइप से आप लोगों को बोलकर ख़रीदना है। फिर मैं बता दूँ आप लोगों को, और एक बात, जो सी लिखा रहता है उसे साइन बोलते हैं, और ये जो पड़ती है आपका प्राइस ये 450 रुपये पड़ जाती है, मतलब 420 रुपये पड़ती है, और ये पूरा जेन्युइन है। इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप सीधा उधर से ख़रीद सकते हो और फिर आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए एक गया, और एक बता दूँ आप लोगों को, ये जो है इप्सन का जेन्युइन इप्सन है, इप्सन का जो और एक कलर है जो येलो रहता है, आप लोगों को इस टाइप का दिख जाएगा, वो येलो रहता है, आप लोग नीचे देख सकते हो, इधर जेन्युइन इप्सन लिखा आ रहा होगा। तो इसका प्राइस है 419 रुपये, सेम टू सेम है, 419 रुपये, 450 रुपये को पड़ जाएगा। आप इसे यूज़ करिएगा, ये जेन्युइन है, और ये इसे यूज़ करने के बाद आप लोगों का जो प्रिंटर का हेड होता है वो ख़राब कभी नहीं होगा। अगर आप डुप्लीकेट यूज़ करते हो तो आप लोगों का हेड ख़राब हो सकती है प्रिंटर का। और फिर मैं आप लोगों को बता दूँ इप्सन का जो और एक कलर होता है, देता हूँ, जो है ब्लैक, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। जब ब्लैक कलर होता है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि बहुत यूज़ होता है और ये बहुत कम प्राइस में मिलता है हमें, और ये पूरा जेन्युइन है, और इसे आप यूज़ कर सकते हो अपनी सन मशीन में। तो आप लोग देख लीजिए, ये पूरा जेन्युइन है, मैं अभी तक इसे ओपन नहीं किया है, तो मैं ओपन करके भी दिखाऊँगा आप लोगों को, आप लोग देखते रहना। तो इसका प्राइस है 299 रुपये, मतलब ये 300 रुपये की पड़ती है, और ये जो है इप्सन का मॉडल में चलता है, इप्सन का L360, इप्सन का L361, L365, L380 सब मशीन में ये चलता है, जो कि लिखा रहता है बी के, और इसको हम ब्लैक बोलते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, इधर छोटा करके लिखा रहता है बी के, और हम इसे ब्लैक बोलते हैं। और ये जब हम ओपन करेंगे इसे, तो ये कुछ इस तरह का दिख जाएगा, आप लोग ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का दिख जाएगा। हम जितने सारे भी हमने दिखाए आपको इस वीडियो में, सब इसी टाइप के दिखते हैं, पूरा इसके जैसा ही दिखता है, इसका कलर अलग रहता है। और एक कलर है जो कि है एम लिखा रहता है शॉर्टकट में, और ये इस कलर है, जो ये कलर है आप लोगों को दिख जाएगा, इसका प्राइस है 419 रुपये, आपको 450 रुपये में पड़ जाएगा ये, और इसे आप यूज़ कर सकते हो इप्सन का सेम टू सेम मशीन में, आप यूज़ कर सकते हो इप्सन का, चाहे जितने भी मशीन आप यूज़ करते हो आप सब में इसको यूज़ कर सकते हो, ये बहुत अच्छा रहता है और ये अच्छी तरह काम भी करती है, और आपका प्रिंटर भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप लोग डुप्लीकेट यूज़ करते हो तो आप लोगों का प्रिंटर का जो हेड होता है वो ख़राब हो सकती है। हेड मतलब जो प्रिंट करता है, यानी कि जो टाइप लिखता है ना, वो ख़राब हो सकती है। उसके ऊपर एक छोटी छोटी जैसे कि आपका आईब्रूज है, वो उसके जैसा कुछ लगा रहता है, और उससे ही उसको टाइप करना पड़ता है, तो वो ख़राब हो सकती है। इसको ध्यान रखकर आप लोगों को ख़रीदना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह के इस वीडियो इस चैनल पर मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं दूसरी कोई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।